वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। आप पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि आपका केमिस्ट्री का है। कह रहा है प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आपके क्या होते हैं, इनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ये बताना है, इनके सामान्य गुणों का वर्णन करना है, पहचान के लिए आप क्या परीक्षण करेंगे और उनको भी लिखिए, जो परीक्षण आप करेंगे उनको लिखना है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीय संरचना की विवेचना कीजिए। प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीय संरचना की आपको क्या करना है, केवल विवेचना करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन पढ़ना है हम। कह रहे प्रोटीन प्रकृति में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, जटिल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं ये दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी जीव जंतुओं के आवश्यक भाग हैं, क्या हैं, सभी जीव जंतुओं के आवश्यक भाग हैं प्रोटीन, ठीक है। जंतु शरीर का लगभग कितना, 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा बाल नाखून पंख, बाल नाखून पंख त्वचा सींग खुर आदि ये सभी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। सभी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, दूध अंडा मांस रक्त आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें, दूध में अंडा में मांस में और रक्त में। पेड़ पौधों के बीज व दालें भी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, बीज और दालें इनमें भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के उदाहरण निम्नलिखित हैं, बात करें केसिन और लैक्टे एल्ब्यूमिन की, किसकी, केसिन और लैक्टे एल्ब्यूमिन जो कि किसमें पाया जाता है आपका, दूध में पाया जाता है, ठीक है। मायोसिन क्या है, मायोसिन भी आपका प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। इंसुलिन भी आपका एक प्रोटीन है, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड में आपका पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटीन्स के जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन यानी कि संगठन, क्या संगठन, कह रहे प्रोटीन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, इनका कोई निश्चित या परमानेंट जो है कंपोजिशन नहीं होता, यह स्रोत के अनुसार बदलता रहता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सदैव उपस्थित रहते हैं, ये चारों आपके सदैव आपको देखने को मिल जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन। कह रहा है इसके अलावा कुछ प्रोटीनों में आयोडीन जो कि किसमें होता है आपका, थायरोक्सिन में, और आयरन आपको हीमोग्लोबिन में देखने को मिल जाएगा, फास्फोरस आपको न्यूक्लियो प्रोटीन में देखने को मिल जाएगा, सल्फर एवं कैल्शियम आदि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं। सामान्यतः प्रोटीन का संगठन निम्न सीमाओं के अंतर्गत रहता है, ठीक है। निम्न सीमा है मतलब जिसमें कि आपका कार्बन कितना होता है, लगभग 50% से 55%, ठीक है। कार्बन कितना रहता है, 50% से 55%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन आपका कितना रहता है, ये 6% से 7% रहता है, ठीक है। यही होता है संरचनाओं का संगठन, ठीक है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन प्रोटीन का, तो इनको निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, साधारण सिंपल प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, ये केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, NH2 CH2 और COOH, ठीक है। अर्थात जल अपघटन पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं, जल इनका अगर आप जल अपघटन कर दोगे प्रोटीन्स का, तो ये क्या देंगे आपको, अमीनो अम्ल देते हैं, ठीक है। जैसे एल्बुमिन अंडे की एल्बुमिन, लैक्टे एल्बुमिन दूध में, और सीरम एल्बुमिन आपकी रक्त में, ये प्रोटीन है, ठीक है। एल्बुमिन अंडे की एल्बुमिन प्रोटीन, और लैक्टे एल्बुमिन जो कहाँ पाई जाती है आपकी, दूध में, और सीरम एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है आपकी, रक्त में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कह रहा है ग्लोबुलिन, क्या कह रहा है, ग्लोबुलिन रक्त सीरम और ऊतकों में, कहाँ, रक्त के सीरम में और
ऊतकों में पाई जाती है ग्लूटेलिन, क्या ग्लूटेलिन, जो कि कहाँ पाई जाती है आपके गेहूं में, प्रोलामिन, प्रोलामिन कहाँ पाई जाती है ग्लियाडिन गेहूं, और जीन, ये क्या है इनकी स्पीसीज, जातियां हैं ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जंतुओं के ऊतकों और हीमोग्लोबिन में, कहाँ जंतुओं के ऊतकों में और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोटामीन, प्रोटामीन आपका सेल्विन, जो कि क्या होता है एक मछली होती है, क्या होता है मछली होती है ठीक है, उसमें पाया जाता है। करास स्क्लेरो प्रोटीन, स्क्लेरो प्रोटीन जैसे कोलाजन हो गया आपका हड्डी और कार्टिलेज, किसमें पाया जाता है कोलाजन, हड्डी ठीक है। केराटिन आपका कहाँ पाया जाता है, बालों में पाया जाता है ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन एग्जाम्पल शायद है कौन सा प्रोटीन आपको कहाँ पाया जाता है ठीक है। दूसरा है आपका संयुग्मित यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन, ये जल अपघटन पर अमीनो अम्ल के अलावा ठीक है, अमीनो अम्ल तो देंगे लेकिन उसके अलावा क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ देते हैं ठीक है। इनका अगर आप जल अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल ठीक है, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल या आपको फास्फोरिक अम्ल ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई मिलेगा ठीक है, न्यूक्लिक और फास्फोरिक अम्ल में से। कह रहा है आपका जो प्रोटीन विहीन भाग होता है, कैसा होता है प्रोटीन विहीन भाग होता है, उसको प्रोस्थेटिक भाग कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक भाग कहते हैं ठीक है, जो कि एक ग्रीन वर्ड है। प्रोस्थेटिक समूह की प्रकृति के अनुसार ये निम्न प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह यानी कि अप्रोटिक समूह के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर एक है आपका पहला आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन, कह रहा है ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, सभी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं ठीक है, सभी कोशिकाओं के कहाँ पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं ठीक है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दूसरा है ग्लाइको प्रोटीन, क्या है ग्लाइको प्रोटीन, ये प्रोटीन तथा किसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या किसी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपका क्या होगा ग्लूटोनिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, एक क्या होगा आपका प्रोटीन या कोई आपका दूसरा क्या होगा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूटोनिक अम्ल आदि के मिलकर बने होते हैं। ये अंडे के श्वेत में उपस्थित रहते हैं, जो अंडा होता है उसमें जो सफ़ेद भाग होता है ठीक है, कैसा होता है जो सफ़ेद भाग आपका होता है उसमें ये मिलता है ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। नेक्स्ट फोर्थ है फास्फो प्रोटीन, ये प्रोटीन और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, किस किस से, एक तो भाग होगा प्रोटीन दूसरा क्या होगा फास्फोरिक अम्ल ठीक है। फोर्थ आपका क्रोमो प्रोटीन, इसमें धातु जैसे Fe हो गया आपका, Mg हो गया, Cu हो गया, CuMn ठीक है, आयरन मैग्नीशियम कॉपर कोबाल्ट और मैग्नीज, और इसके साथ क्या होगा प्रोस्थेटिक समूह जैसे पायरोलोज पायरोल व्युत्पन्न भी उपस्थित रहता है, इनके साथ क्या रहता है आपका एक प्रोस्थेटिक समूह जिसे कहते हैं पायरोल, वो भी आपका उपस्थित रहता है। ये रंगहीन होते हैं, रंगीन होते हैं ठीक है, कलर्ड होते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है रुधिर में लाल होता है ठीक है, उसका रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन की वजह ही कैसा होता है आपका रेड कलर का होता है ठीक है। क्लोरोफिल जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है ठीक है, जिससे उनका रंग कैसा होता है ग्रीन होता है। काला जो कि ऊन और बाल में पाया जाता है ठीक है, ऐसे काला ऊन और बाल में पाया जाता है, ये सभी कौन सी है आपकी क्रोमो प्रोटीन है। नेक्स्ट कह रहा है व्युत्पन्न प्रोटीन ठीक है, डेरिवेटेड प्रोटीन, ये किसी के किसी दूसरे से प्राप्त होती है ठीक है, जब साधारण और संयुग्मित प्रोटीन का अमीनो अम्लों में जल अपघटन होता है, किससे अमीनो अम्लों में, किसका साधारण और संयुग्मित प्रोटीन का अमीनो अम्लों में जल अपघटन होता है अथवा किया जाता है जल अपघटन, तो विभिन्न पदों में बनने वाले पदार्थ व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं ठीक है। किस किस से बनते हैं, ये साधारण और संयुग्मित प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो जो प्रोटीन बनता है वो आपका क्या कहलाता है व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा प्रोटीओज, और ये उदाहरण है आपके व्युत्पन्न के प्रोटीओज और पेप्टाइड इत्यादि, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। प्रोटीन की अगर हम विशेषताएं की बात करें तो इसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ अपने इसके गुण होते हैं। नंबर एक कह रहा प्रोटीन प्रायः रंगहीन होते हैं, कैसे होते हैं रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं ठीक है, कलरलेस होते हैं, कोई रंग नहीं होता, गंधहीन होते हैं, इनमें सूंघने पर आपको कोई गंध नहीं मिलेगी, और कैसे हो तो स्वादहीन होते हैं, ना खट्टे ना तीखे ना मीठे ना कड़वे, कोई स्वाद नहीं होता, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं ठीक है, जैसे कि आपका चीनी होता है तो इसमें क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है।
इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, कोई फिक्स इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये जल क्षार तनु अम्ल तनु लवण विलयन में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है आपका शीशे का गिलास, इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें तो कुछ इस तरह से आपको इसके कण बहुत छोटे छोटे मालूम पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका कोलाइडी विलयन। ये विलयन ध्रुवण घोड़क होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, प्रायः कैसे होते हैं आपके लीवो रोटेटरी, कैसे होते हैं लीवो रोटेटरी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देते हैं। अणुओं का आकार बहुत बड़ा होता है और अणु भार भी इनका कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आकार कैसा होगा अणुओं का, बहुत बड़ा होगा, और इनका अणु भार भी कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, लवण बनाना, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। जल अपघटन करने पर क्या होता है, प्रोटीन अम्ल और एंजाइम द्वारा अवयवी अम्लों में, किन में, अवयवी अमीनो अम्लों में जल अपघटन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है। किसमें? प्रोटीन अम्ल और एंजाइम द्वारा अवयवी अमीनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। यह जल अपघटन एक पद में नहीं होता है, कई पदों में पूरा होता है। ठीक है, और प्रत्येक दशा में अंतिम क्रियाफल अमीनो अम्ल ही बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल। मान लो ये क्या आपका प्रोटीन, इसका जल अपघटन करने पर क्या बनेगा आपका, प्रोटीओसेस बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीओसेस बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कुछ जल अपघटन होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जलाने अथवा सड़ाने में, किसमें, जलाने अथवा सड़ाने पर ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और एमीन जैसे पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जलाने या सड़ाने पर ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बनता है, एमीन जैसे पदार्थ बनते हैं। किसी निर्जीव शरीर के क्षय क्षय होने या सड़ने पर उत्पन्न होने वाली दुर्गंध एमिनो अम्ल के बनने के कारण होती है। ठीक है, कोई अगर आपको सड़ा गला या मरा हुआ कोई जानवर पड़ा है, उससे जो महक निकलती है, वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, वहां पर एमिनो एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही एमीन गंध के रूप में हमें सूंघने को मिलती है। स्कंदन कोएगुलेशन, कह रहा है जब प्रोटीन विलयन को अकेले अथवा एल्कोहल, प्रोटीन विलयन को अकेले अथवा एल्कोहल खनिज अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, कोलाइडी प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोलाइडी प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं, और इस नए बने हुए पदार्थ के भौतिक गुण जैसे विलेयता, शरीर क्रियात्मकता आदि मूल पदार्थ से कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, मूल पदार्थों से कैसे होते हैं, बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, और कह रहा है इस क्रिया को विकृतिकरण, क्या कहते हैं, विकृतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप जब अंडे पकते हैं तब अंडे के एल्बुमिन का विकृतीकरण हो जाता है। जब अंडे को क्या करते हैं, उबालते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन भरी होती है एल्बुमिन, वो कैसी हो जाती है, कुछ ठोस हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, कुछ ठोस हो जाती है, और उसका वहां पर क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण, प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट है जिनसे पता लगता है कि हाँ ये प्रोटीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैंथोप्रोटिक, क्या है, जैंथोप्रोटिक सबसे आपका पहला टेस्ट है। ठीक है, जैंथोप्रोटिक परीक्षण कह रहा है प्रोटीन विलयन को सांद्र H2O3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग उत्पन्न होता है। जब आप प्रोटीन के विलयन को H2O3 के साथ में गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पीला रंग मिलेगा। क्या मिलेगा? पीला रंग मिलेगा। ठीक है, और इस विलयन को NaOH या NH4OH, अब जो पीला रंग वाला विलयन मिला है इसको फिर से किसके साथ में करना है, NaOH, किसके साथ, NaOH, ये आपका क्या होगा, NH4 और OH के द्वारा क्षारीय बनाने पर नारंगी रंग आता है। अब क्या आएगा इसके साथ में, ये कैसा देगा, नारंगी रंग देगा। ठीक है, त्वचा पर सांद्र HNO3 गिर जाने पर पीला रंग इसी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपके हाथ पे कहीं या त्वचा पे कहीं आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल गिर जाए तो उसमें क्या, वो क्या देता है, पीला रंग देता है, जो कि इसी अभिक्रिया के कारण देता है। ठीक है, कौन सा, जेंथो प्रोटेक परीक्षण। कह रहे हैं यह परीक्षण प्रोटीन में टायरोसिन या फेनिल अमीनो अम्ल जिसमें
बेंजीन रिंग होती है की उपस्थिति के कारण आता है, ठीक है। इससे पता चलता है उसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। ये हो गया आपका जैंथोप्रोटिक परीक्षण। दूसरा आपका बायोरेट परीक्षण, क्या है बायोरेट परीक्षण, तो कह रहा प्रोटीन के क्षारीय विलयन में ताजे बने कॉपर सल्फेट की दो बूंदें डालने पर, किसके प्रोटीन के क्षारीय विलयन में अगर आप ताजे बने कॉपर सल्फेट की दो बूंदें डाल दोगे तो बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है, और यह परीक्षण प्रोटीन में पेप्टाइड, ठीक है, तो ये बंद होता है पेप्टाइड, ठीक है। कार्बन से जो COO ग्रुप लगा होता है उसका एक एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन NH2 के एक हाइड्रोजन के साथ में बाहर चला जाता है, और उसके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। भाग की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पेप्टाइड की उपस्थिति के कारण होता है आपका, ठीक है, ब्यूरेट बायोरेट परीक्षण। नेक्स्ट है आपका मिलन परीक्षण, क्या है मिलन परीक्षण, प्रोटीन विलयन को मिलन अभिकर्मक जिसे मर्क्यूरस नाइट्रेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट का HNO3 में विलयन, ठीक है, इसमें मर्क्यूरस नाइट्रेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट का HNO3 में विलयन क्या कहलाता है आपका, मिलन अभिकर्मक कहलाता है। इस साथ जब गर्म करते हैं तो एक श्वेत अवक्षेप बनता है जो बाद में लाल भूरा हो जाता है, पहले कैसा होता है आपका श्वेत होता है, ठीक है, और बाद में कैसा हो जाता है कुछ समय बाद वो हो जाता है लाल भूरा, ठीक है, कैसा हो जाता है लाल भूरा हो जाता है। यह परीक्षण प्रोटीन में फिनोलिक या फिनोलिक OH समूह की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। प्रोटीन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, फिनोलिक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। बेंजीन रिंग होगा एक, उस पर क्या लगा होगा ऊपर OH लगा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं फिनोल। फोर्थ आपका है मॉलिस परीक्षण, कह रहा प्रोटीन के विलयन में कुछ बूंदे एल्कोहल बीटा नेफ्थाल, क्या एल्कोहल बीटा नेफ्थाल और सांद्र H2SO4 डालने पर एक बैंगनी रंग की रिंग बनती है, ठीक है, कौन सी रिंग बनती है, बैंगनी रंग की रिंग बनती है। यह परीक्षण उन्हीं प्रोटीन के द्वारा दिया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट का अंश होता है, क्या होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट का अंश होता है वही इस परीक्षण को देते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका हॉपकिंस कोल परीक्षण, हॉपकिंस कोल परीक्षण, प्रोटीन के विलयन में कुछ ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल मिलाकर परखनली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डालने पर एक नीला बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, ठीक है, कब, प्रोटीन के विलयन में, ठीक है, इसमें आपने क्या ले लिया, प्रोटीन का विलयन ले लिया, इसमें कुछ ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल मिलाकर, इसमें क्या मिला दिया, कुछ ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल मिला दिया। अब परखनली के दीवार के सहारे, इसके सहारे हमें क्या डालना है, H2SO4 डालना है, क्या डालना है, H2SO4 डालना है, ठीक है, फिर क्या मिलेगा, नीला बैंगनी रंग, ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला और बैंगनी, ठीक है, नीला बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण प्रोटीन में टेट्रोफेन अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, किसके कारण होता है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण इसमें रंग आपका कैसा आ जाता है, नीला बैंगनी रंग आ जाता है। सिक्स आपका है निनहाइड्रिन टेस्ट, क्या है, निनहाइड्रिन परीक्षण, तो प्रोटीन के पिरिमिडीन में बने हुए विलयन में, प्रोटीन के पिरिमिडीन में बने हुए विलयन में निनहाइड्रिन की कुछ बूंदें डालने पर लाल बैंगनी या लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। यह परीक्षण प्रोटीन में युक्त अमीनो मुक्त प्रोटीन में युक्त अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, प्रोटीन में जो आपका अमीनो अम्ल पाया जाता है उसकी उपस्थिति के कारण आपको ये निनहाइड्रिन टेस्ट देखने को मिल जाता है। अभिक्रिया निम्न पदों में होती है, निनहाइड्रिन टेस्ट की जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अभिक्रिया, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, निनहाइड्रिन कहलाता है, क्या होता है आपका, निनहाइड्रिन कहलाता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, प्रोटीन भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन भाग होता है, NH2CH, इससे क्या लगा होता है, एक R और COOH, ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोटीन भाग हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, इससे रिएक्शन करता है, क्या करता है, इससे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद में क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ इस तरह से आपका मिल जाता है, ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, नीला या गुलाबी रंग का पिगमेंट होता है, कैसा होता है, नीला या गुलाबी रंग का ये आपको पिगमेंट प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यहां से। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रो
नाइट्रोप्रुसाइड परीक्षण, कुछ प्रोटीन जिनमें आपका एसएच समूह होता है सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ लाल रंग उत्पन्न करते हैं, कौन से प्रोटीन जिनमें आपका एसएच ग्रुप पाया जाता है। वाह, उत्तर वाह आपसे पूछा था। वाह में क्या पूछा था? वाह में पूछा था आपका प्रोटीन की संरचना। क्या पूछा था? प्रोटीन की संरचना। तो भाई प्रोटीन की संरचना किस तरह से होती है? कह रहा प्रोटीन के जल अपघटन पर अमीनो अम्ल बनते हैं। जब प्रोटीन का आप जल अपघटन कर दोगे, प्रोटीन का जल अपघटन कर दोगे तो क्या बनेगा? आपका अमीनो अम्ल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अमीनो अम्ल बनेगा। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की निर्माण इकाई है। प्रोटीन की निर्माण इकाई है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से ही होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की निर्माण इकाई है। ठीक है, कह रहा ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से। ठीक है, जो नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक्सरे किरणों से भी इसकी पुष्टि होती है। अर्थात प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के समान ही यौगिक है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे उसमें क्या लगे रहते हैं? अमीनो एसिड लगे रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की संपूर्ण संरचना निम्नलिखित दो पदों में निर्धारित की जाती है, कौन कौन से है वो? नंबर एक क्या था आपका? प्राथमिक संरचना ज्ञात करना। क्या? प्राथमिक संरचना को ज्ञात करना। प्राथमिक संरचना में क्या होता है आपका? कह रहा है इस पद में प्रोटीन के अवयव, अमीनो अम्लों की संख्या एवं परस्पर जुड़ने के क्रम ज्ञात किए जाते हैं, और जल अपघटन कराने पर अम्लों का किसका? अमीनो अम्लों का पृथक्करण, पहचान, मात्राएं ज्ञात कर ली जाती हैं, जिससे विभिन्न अमीनो अम्लों का आपेक्षिक अनुपात पता चल जाता है। इसके बाद में प्रोटीन का नाइट्रोजन सिरा या कार्बन सिरा से विश्लेषण कर अमीनो अम्लों का क्रम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा आपको? प्राथमिक संरचना का ज्ञान हो जाएगा। ये आपको दे रखी है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन का अणु जिसमें क्या है? एन टर्मिनल सी, एन टर्मिनल रेसिड्यू है। इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल रेसिड्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? NH2। इसको कहते हैं एन के होने के कारण कहलाता है एन टर्मिनल। ये बीच में आपका ये जो बना हुआ है, ये बहुत सारे हो सकते हैं आपके एन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10। ये बॉन्ड आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इसको कहते हैं सी टर्मिनल रेसिड्यू, क्योंकि इसमें आपका सी डबल एच ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों सिरे इसमें लगे रहते हैं। इस अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि पेप्टाइड श्रृंखला के प्रत्येक दोहरे परमाणु पर, किस पर? प्रत्येक दोहरे परमाणु पर ऐसा समूह होता है जो अवयवी अमीनो अम्ल का लाक्षणिक होता है। ठीक है, अवयवी अमीनो अम्ल का एक लक्षण होता है। एन विवर्तन के द्वारा पेप्टाइड श्रृंखला का भाग समतल और कैसा होता है? पेंटी ज्ञात होता है। समतल और एंटी ज्ञात होता है आपको। ठीक है, समतल होगा और कैसा होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, एंटी होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो पेप्टाइड श्रृंखला क्या दे रखी है? पेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पर क्या है आपका? NH2, CH और COOH ग्रुप यहाँ पर लगा था। कहाँ लगा था? इस वाले कार्बन से क्या था आपका? COOH ग्रुप लगा हुआ था। उसके बाद दोबारा जो नया सिरा आएगा वो कौन सा आएगा? NH2 वाला आएगा। कौन सा आएगा? NH2 वाला आएगा, NH2। और फिर आपका CH और COOH, CH, इस पे R लगा रहा होगा। अब देखो इसका जो OH है और इसके हाइड्रोजन के साथ में OH H2 बाहर निकल जाएगा, इस वाले कार्बन से नाइट्रोजन आके सीधे लग जाता है। ठीक है, तो यही क्या बनता है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक ये बन गया, दूसरा आपका पेप्टाइड बॉन्ड ये बन गया, थर्ड वाला पेप्टाइड बॉन्ड आपका यहाँ पर बन जाएगा जो कि नाइट्रोजन आके यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पेप्टाइड इसमें बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए क्या कह दिया? पेप्टाइड श्रृंखला इसको कह दिया। प्रोटीन के द्वितीय संरचना की अगर हम बात करें तो कह रहा है प्रोटीन के द्वितीय संरचना के द्वारा प्रोटीन अणु में उपस्थित पेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति तथा संरूपण ज्ञात होता है। किससे? द्वितीय संरचना से। इस पेप्टाइड इसमें जो प्रोटीन का अणु है उसमें पेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति कैसी है और उनका संरूपण कैसा है, ये ज्ञात हो जाता है। ठीक है, एक्सरे विवरण विश्लेषण के द्वारा पेप्टाइड अणु के दो संरूपण पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा हेलिक्स और आपका होता है बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स आपका कैसा होता है? कुंडलन होता है। ठीक है, कुंडलन रूप मुख्य क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन समूह के बीच
हाइड्रोजन बंध, क्या हाइड्रोजन बंध एक ही पेप्टाइड श्रृंखला के सी डबलओ तथा एनएच ग्रुप समूह के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? एक ही श्रृंखला के सी डबलओ तथा एनएच समूह के बीच में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। क्या कहते हैं उसको? अल्फा हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। देख लो इसको, ये अल्फा हेलिक्स संरचना है ये आपकी, ठीक है। देखो किसके बीच में होती है, एक ही सी डबल ओ और एन एच टू के बीच में क्या रहता है आपका? हाइड्रोजन लगा रहता है, सॉरी हाइड्रोजन लगा रहता है, ठीक है। एन एच टू और सी ओ के बीच में आपका हाइड्रोजन लगा रहता है। तो इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। इसके बाद कह रहा है जब हाइड्रोजन बंध आपका कहाँ पर हो, जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न पेप्टाइडों के बीच स्थापित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन दूसरी प्रकार की द्वितीयक संरचना का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ पर है। ये एक तो आपका ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू है पहला सिरा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। यही तो है एन एच टू, ये ग्रुप आपका कौन सा है? एन एच टू वाला ग्रुप है, ठीक है, जहाँ से इसमें से हाइड्रोजन हट गया है। और ये क्या है आपका? सी एच आर, उसके बाद क्या होता है? सी डबल ओ एच। क्या होता है? सी डबल ओ, एक ओ ये है और बाकी एक ओ एच आपका यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। तो सी डबल ओ एच आपका इस तरह से रहता है। तो एक पार्ट आपका, एक भाग कितना है? इतना है आपका एक भाग, ठीक है। एक भाग आपका इतना है, यानी कि एक यूनिट है ये अमीनो एसिड प्रोटीन। अब देखो दूसरी यूनिट आपकी यहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी? यहाँ पर, ठीक है, ये एन एच टू। तो इस तरह से ये बहुत सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये वाला आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड आपका कहाँ बन जाएगा? सीधे ये वाला बन जाएगा, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन से लगा हुआ ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो दो भिन्न भिन्न किसके बीच में होंगे? जब हाइड्रोजन बंध कहाँ हो, दो भिन्न पेप्टाइडों के बीच में स्थापित होता है, तो ऐसी प्रोटीन एक दूसरी संरचना बना लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय संरचना कहते हैं, ठीक है, जिसे बीटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक कहाँ पर हाइड्रोजन है आपका? एक हाइड्रोजन बंध आपका यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन बंध आपका यहाँ पर है, जो कि कहाँ है? पहला आपका कहाँ था? नंबर एक, फिर दो, तीन, फिर कहाँ बना हुआ है आपका? फोर्थ वाले कार्बन पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका? द्वितीय संरचना, जिसे हम बीटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्या है आपका ये? बीटा संरचना, ठीक है, फ्लैट शीट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। कह रहा पेप्टाइड श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के बंधित होकर चपटी चादर बीटा लहरिया, क्या है? लहरिया चादर बीटा प्लेटेड शीट संरचनाओं का निर्माण करती है, ठीक है। एक शीट के समान प्रोटीन संरचना का निर्माण होता है। इसमें प्रोटीन की सर्पिल संरचना, एक और देख लो इसके बाद में, प्रोटीन की सर्पिल संरचना, ठीक है, स्पायरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा लाइनस पॉलिंग एवं रॉबर्ट कोरे के अनुसार कुछ प्रोटीन में अमीनो अम्ल सर्पिलाकार सीढ़ियों में कुंडलित होकर कुंडलनी या हेलिक्स, क्या बनाते हैं? कुंडलनी या हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसी स्प्रिंग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? ऐसी स्प्रिंग मान सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्प्रिंग मान सकते हैं, जो कि एक काल्पनिक सिलेंडर के चारों ओर कुंडलित है। मान लो ये क्या है आपका? सिलेंडर है, जिसके चारों ओर ये क्या है? कुंडलित है, ठीक है। स्प्रिंग दाई ओर अथवा बाई ओर मुड़ी हुई हो सकती है। यदि सर्पिल दाई ओर मुड़ी हुई हो तो उसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, और यदि यह है बाई ओर मुड़ी हुई हो तो इसे क्या कहते हैं? बीटा हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। हेलिक्स कुंडलिनी संरचना में एक इकाई के एन एच टू समूह, जो कुंडली संरचना होती है उसमें एक इकाई के एन एच टू समूह पर क्या होता है? एन एच टू समूह तीसरी इकाई के कार्बोक्सिलिक समूह से ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बंध जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बंध जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बंध जुड़े रहते हैं विभिन्न इकाइयों के मध्य। ये हाइड्रोजन बंध अल्फा हेलिक्स को एक व्यवस्थित रूप में बनाए रखते हैं। वो कह रहा है प्रत्येक मोड़ में लगभग चार अमीनो अम्ल की इकाइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं? चार अमीनो अम्ल की इकाइयाँ कुछ इस तरह से आपकी लगी रहती हैं। कुंडलित संरचना में से पार्श्व श्रृंखलाएँ बाहर की ओर निकलती हुई रहती हैं। कैसी निकलती हुई रहती हैं? बाहर की ओर आपकी निकलती हुई रहती हैं, ठीक है, जो कि आपको
यहाँ पर ये कुंडल संरचना दिखाई गई है, इसको आप थोड़ा सा देख लो। ये है आपकी कुंडल संरचना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको आराम से बना देना ऐसे। ये इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, फिर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन से क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन लगा होगा, इस वाले कार्बन कार्बन से उसी से क्या लगा होगा आपका, हाइड्रोजन, जो कि अगले नाइट्रोजन से लगा होगा, ठीक है, नाइट्रोजन से लगा होगा। इसी तरह से ये पूरा क्रम आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो कहाँ पर होंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से लगे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रोटीन वाला, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लंबा था, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से इसको, दो एक बार देख लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।